हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, एवरीबॉडी फाइन। टुडे आई शो यू द माय टेरेस गार्डन एडेनियम। ये मेरे दिल का सुकून। इसकी मैंने कटिंग कर दी है, इसको प्रून कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई है इसकी। अगर आपने बॉन्साई बनाना है अपने एडेनियम को तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए कटिंग के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसका कॉडेक्स गणेश जी। और अगर आप प्रून करते हैं तो इसमें नेक्स्ट ईयर और भी अच्छी फ्लावरिंग होगी, और भी ज़्यादा फूल आएंगे क्योंकि ब्रांच बढ़ जाएंगी और उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे। और इस टाइम भी ये रेस्ट पीरियड में होता है, दिसंबर जनवरी, तो इसको रेस्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसका कॉडेक्स और भी अच्छा हो जाएगा, मोटा ताज़ा हो जाएगा प्रून करने से, जो जैसे श्विंक हो जाते हैं कॉडेक्स फ्लावरिंग होने से, तो वो भी देखिए इसमें अच्छी ताकत आ जाती है नेक्स्ट ईयर फ्लावरिंग करने के लिए। तो मैंने इसको प्रून कर दिया है। और अभी इसमें आपने क्या करना है, वॉटरिंग का ध्यान रखना है। वॉटरिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, वो भी आपने चेक करके अच्छे से गमले में चेक कर लेना है आपने, उंगली लगा के नीचे तक, 2-3 इंच नीचे तक, जब तक आपको लगे कि पानी की नीड है इसमें तभी डालना है, नहीं तो नहीं डालना पानी, क्योंकि ठंड के मौसम में ये अपने कॉडेक्स में ही वाटर स्टोर करके रखता है। ये देखिए मैंने सबकी कटिंग कर दी है, जो मेरे ओल्ड वाले एडेनियम है, ये भी 10 ईयर ओल्ड है। ये देखिए इसका कॉडेक्स भी कितना अच्छा बना है। कटिंग करने से और भी अच्छा कॉडेक्स मोटा हो गया है। बस अपने इसमें पानी का ध्यान रखना है, पानी आपने नहीं डालना, बस चेक करके डालना है। ये भी इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी है, नेक्स्ट ईयर इसमें नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ जाएंगे, फ्लावर बढ़ जाएंगे आपके। इतने भी मेरे फ्लावर वाले थे, मैंने सबकी कटिंग कर दी है, प्रून कर दिया है। मुझे कॉडेक्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए आप भी अपने एडेनियम में कटिंग कर सकते हैं, प्रून कर सकते हैं। एडेनियम में, शीडलिंग एडेनियम में मेरे अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए नए बर्ड आ रहे हैं, ये 1 ईयर ओल्ड शीडलिंग है। ये देखिए, और इसमें तो अभी फ्लावरिंग हो रही है। अभी आपने कोई फर्टिलाइजर नहीं डालना इसके अंदर, और बस पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, चेक करके ही डालना है, हल्का फुल्का पानी। आप फिर फरवरी में जाके इसमें जैसे ग्रोथ शुरू हो जाएगी तभी आपने इसमें फर्टिलाइजर और पानी का ध्यान रखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय फ्रेंड, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में एंड हैप्पी क्रिसमस। ओके, बाय बाय फ्रेंड।